मोदी जी ने हमारे लिए दिव्यांगों के लिए बहुत एक अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सड़कों का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है और महिलाओं को बहुत सुविधाएं मिली है इस चीज की और खुश है हम मोदी से। इंटरनेशनल लेवल और पे अपने भारत का नाम रोशन हो रहा है मोदी की वजह से। इसमें सियासी सरगर्मी तेज है और इसी सियासी माहौल को समझने के लिए हम लोग अमरावती में मौजूद हैं। अमरावती की जनता से बात करके और यहाँ के सियासी माहौल को समझने के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। तो आइए हम लोगों से चर्चा करते हैं कि किसकी चल रही है, किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। कहाँ जा रहे हैं दादा? आरसे गाँव। क्या नाम है आपका? नरेश झंवर। अच्छा, क्या है यहाँ पर माहौल, किसकी चल रही है? यहाँ पे तो नवनीत राणा की चल रही है अभी तो। अच्छा, और देश में? देश में भी मोदी की चल रही है। अभी किसकी चलेगी? अब मोदी की चलेगी। मोदी कोई खास वजह इसकी? हाँ, क्या? जो मोदी प्राइम मिनिस्टर है, देश के हित के काम में कर रहे हैं, इसलिए मोदी की चलेगी। अब की बार 400 बार। अच्छा, हाँ, ये अब की बार 400 पार का नारा देने। दादा आप क्या सोच रहे हैं किसकी चलेगी? अरे वोट वोट तो देते होंगे ना, नहीं बताएंगे? चलिए मत बताइए, किसकी चलेगी मैडम इस बार? नहीं चला। अरे तो आप घर पे भी उन्हीं की चलती है क्या? अरे नहीं, आप बताइए आपकी चलना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। किसकी चलेगी देश में बताइए? मोदी जी चलेगी। हो हो, तो क्या खास वजह? आप लोग खुश हैं? काम करते हैं, चांगले काम करते। क्या नाम है आपका? वेदांत। वेदांत, क्या लग रहा है, युवा वोट डालते हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट डालोगे तो यार आपसे तो बात करना जरूरी है। फर्स्ट टाइम वोट डालोगे तो क्या सोच के वोट डालने वाले हो? वही जो संविधान को बचाए का है, उसके लिए वोट। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी चल रही है, कौन काम कर रहा है, किसको वोट देना चाहिए, कुछ सोचा है अभी? अभी तो नहीं, अभी देखेंगे। देश में कौन अच्छा काम कर रहा है? क्या है, क्या कर रहे हो आप? अभी बीएससी की है, अभी लॉ करना है। ये लॉ करेंगे, कानून वानून को जानने वाले लोग हैं। तो घर पे भी भैया की चलती है? हाँ, अरे आप लोगों की चलना चाहिए ना देश में, मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं की चलेगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? परतवाड़ा से। परतवाड़ा से, क्या है इस बार माहौल? माहौल नवनीत राणा का। और देश में? देश में मोदी जी का। मोदी जी का, क्यों, खास वजह उसकी? खास वजह सुविधा महिलाओं के लिए। अच्छा काम हो रहा है महिलाओं के लिए? हाँ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग टिकट लेकर बैठे हैं, फ्री मिल रही है? नहीं नहीं, आधी टिकट पे बैठे। आप लोगों को पूरा पैसा नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। आप पूरा पैसा देते हैं? नहीं, हम जेंट्स पूरा देते हैं। फिर भी खड़े हुए हैं? हाँ। खैर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। वो जगह है जहाँ पे हम महिलाओं के लिए सीट छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, खैर अच्छी बात है। तो ये कहाँ से हैं आप? मैं धारनी तालुक का। अच्छा, यहाँ पे आए थे हम, अस्पताल में आए थे। वैसे मोदी जी ने हमारे लिए दिव्यांगों के लिए बहुत एक अच्छा काम किया है, जैसे कि जो स्मार्ट कार्ड होता है, पहले 5 साल में 1-4 बदलना पड़ता था हमको, अभी वो ऑनलाइन हो गया है स्मार्ट कार्ड। अभी एक बार वो बना लिया कि ऑनलाइन अगर गम भी गया तो ऑनलाइन हम निकाल सकते हैं उसको। दूसरी बात ये है कि अपंगों के लिए सर्टिफिकेट, और जैसे हमारी संजय गांधी योजना पेंशन है, उनको भी मोदी जी ने 1500 रुपये महीने कर दिए दिव्यांगों के लिए। और दूसरी बात यह है किसान पीएम किसान योजना, उनको किसानों को भी पैसा मिल रहा है। वैसे अलग अलग बहुत सारी योजना निकाली है। काम तो हो रहा है ना? काम हो रहा है। इससे इतर एक बड़ा सवाल, चूंकि आप दिव्यांग हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले दिव्यांगों को लेकर अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उस शब्द को मोदी जी के आने के बाद दिव्यांग किया गया, इससे आप लोग खुश हैं, सम्मान मिलता है? हाँ हाँ, बराबर। पहले अपंग बोलते थे, अभी दिव्यांग हो गए हैं। हाँ, अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, हमको भी, सुनने वाले को भी। हाँ, सुनने वाले को भी और हमको भी। आप कहाँ से हैं? ये बोल नहीं सकते। नहीं बोलेंगे दीदी? अरे यार, आप कहाँ जा रहे हैं? पर थोड़ा, पर थोड़ा। कैसा है माहौल इस बार का चुनावी? मोदी से। मोदी है, क्यों, खास वजह? चलिए अंकल बताएंगे क्या खास कारण है मोदी सर। जो हम तो भाभी को लाएंगे, भाभी को अमरावती में। अच्छा, हाँ भाभी को लाएंगे, भाभी बीजेपी, बीजेपी आएगी? हाँ वो ही आएंगे बिल्कुल। 400 देश में किसको लाएंगे? देश में 400 पार आएगा। अच्छा, 400 पार बिल्कुल, इस बार बिल्कुल मानेंगे नहीं? बिल्कुल 400 पार होना ही चाहिए और आना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं दादा? क्या अभी बोलेंगे, अभी का राजकारण नहीं बरोबर, क्या बोलेंगे? देश में क्या माहौल है?
देश में सब खिचड़ी चल रही है अभी, क्या है? हाँ खिचड़ी चल रही है अभी। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ और लोग हैं आगे, उनसे भी बातचीत करते हैं क्या आखिर क्या चुनावी माहौल का। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप, क्या है चाचा क्या हालचाल है? बस अब मोदी है, सब सब मोदी है। कारण आपके बार 400 बार कारण 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 तो मोदी ने अपने भारत देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा और काम वाम ठीक है देश में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सड़कों का भी बहुत अच्छा विकास हुआ है और महिलाओं को बहुत सुविधाएं मिली है इस चीज की, और खुश है हम मोदी से। अच्छा हाँ, और भाभी जी जरूर आएगी यहाँ पर चुन के, अमरावती में जरूर आएगी। दादा क्या करते हैं? बस यहाँ पर ही, मैं वाशिम जिला रहता, हमारे तरफ तो जयश्री पटेल भाजपा का ही वो चालू है। अच्छा माहौल है। और देश में? देश में तो वही है, वही नाम सुन रहे सब, मोदी जी का, मोदी जी का नाम सुन रहे हैं ना सब, उधर जिधर उधर उनका ही नाम सुन रहे। काम वाम हो रहा है देश में? काम हो रहा ना, काम हो रहा है, जब भी तो नाम नहीं कर रहा ना। अच्छा, दिखता है काम? काम तो हमारे तरफ बहुत अच्छा काम चालू है। अच्छा कहीं ना कहीं माहौल जो है वो सियासी नजर आ रहा है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी। अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे अपने भारत का नाम रोशन हो रहा है मोदी की वजह से, इसलिए अब मोदी आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम है। वही कहाँ जा रहे हैं? अमरावती, परतवाड़ा से। परतवाड़ा, अमरावती से परतवाड़ा? हाँ अमरावती। क्या नाम है? मनोज दंडा। क्या करते हैं आप? सर इंजीनियरिंग सेक्टर हो चुका है पर खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी के तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस डालो, अपने पैरों पे खड़े हो और चार लोगों को नौकरी दो, तो आप तो वही कर रहे हैं। हाँ तो वही कर रहे हैं ना, नौकरी दे रहे हैं लोगों को। सबसे ज्यादा सर युवा पीढ़ियों को रोजगार नहीं मिल रहा ना, हाँ इसलिए आप लोग बिजनेस करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हाँ अच्छा काम करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? सर अभी मेरा गाँव है वलगाँव। क्या नाम है? अंकित। अंकित, अंकित गाँव में आम काम वाम अच्छा होता है, गाँव दिखता है कि हाँ डेवलप हो रहा है? तो डेवलपमेंट तो चल रहा है अभी थोड़ा जी, बस इतनी मोदी जी से इतनी दरख्वास्त है मेरी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है जी, जो अपने देश के युवा है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो भी सोचना ही चाहिए मोदी जी ने। अभी मैं पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा हूँ नौकरी के लिए, मिल नहीं रही जी। मैं वो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ना वो यही कह रहे हैं कि लोग खुद अपना बिजनेस डेवलप करें और लोगों को नौकरी दें, तो उस पर आप भी काम करेंगे जी? करना है तो अगर नौकरी लगने लगेगी तो करेंगे बिजनेस, खुद का कुछ ना खुद का, खुद का स्टार्टअप चाहिए, कुछ ना कुछ तो भी चाहिए जी। स्टार्टअप चूंकि आपने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका जिक्र भी करते हैं कि लोग अपने खुद के पैरों पर खड़ा हों और लोगों को रोजगार दें, ताकि देश जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है उसमें फायदा हो। खैर चुनावी माहौल में हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, तो अमरावती की जनता जो कह रही है उसमें अधिकांश लोग ये बता रखे हैं कि देश में मोदी की और अमरावती में नवनीत राणा की चलती हुई नजर आने वाली है। विजय अजय के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।